यहीं से मेला स्टार्ट होता है। वेलकम टू दुबई थीम सेल्फी पॉइंट भाई इसमें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी हम लोग जा रहे हैं संडीला, क्योंकि भाई इस टाइम पर अभी नवंबर में होने वाला है संडीला का सबसे बड़ा मेला, जो कि कौन सा भाई मेला है? झाड़ी सा बाबा मेला। हाँ भाई, संडीला का झाड़ी सा बाबा मेला भाई बहुत बड़ा लगता है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी का देखने के लिए भाई, कितना क्या मेला लग चुका है। आप लोगों को भी दिखाएंगे कि भाई कितना ज़्यादा बड़ा मेला लगता है। तो देखते हैं चल के क्या क्या लगा है, क्या क्या आया है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो बस आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहना। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं भाई, यहाँ पर है सूर्या भाई मेरे और आशीष भाई। हेलो, हाय। हेलो, हाय। चलिए गाइस। और भाई ये लोग देखो ना, इतना ज़्यादा सूट वूट में जा रहे हैं, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। ये लोग मस्त जूते वूते पहन कर एकदम मस्त बन के जा रहे हैं, ये देख तो लो भाई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। चलिए यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं संडीला, और जहाँ पर भाई मेला लगने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, जो कि ये गेट बना हुआ है, इसमें लाइटिंग भी लगी है। तो यहीं से भाई स्टार्ट होता है मेला, और अभी हम लोग आ चुके हैं। भाई क्या कर रहे हो? तो यहीं से आप लोग देख सकते हो पोस्टर वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो ये वाला मेन इधर से रास्ता आता है, एक इधर से और एक इधर से, जो कि इधर मेन संडीला से आता है और एक साइड से इधर। तो अभी आप लोग इस गेट से जाने वाले हो अंदर भाई मेला के, हम लोग भी चलते हैं अंदर मेला के और देखते हैं भाई क्या क्या लग चुका है। दोस्तों ये गेट है, जो कि वहाँ से आने के बाद ये पड़ता है। और तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, और भाई यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि ये मुसलमानी मेला होता है, मुसलमान भाई लोग करवाते हैं, और भाई बहुत बड़ा मेला होता है, जो कि आप लोग ये देख सकते हो। इसको मस्जिद कहते हैं, मज़ार मेरे को क्लियर नहीं पता है। जैसे हम लोगों के हिंदूज में मंदिर होता है, वैसे ही इनके लोगों के होता है। तो अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हो भाई, यहाँ भी बहुत तगड़ी लाइटिंग की गई है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग नाइट में देखना तो बहुत मस्त लाइटिंग होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पंडाल वगैरह भी लगे हैं, जो कि इसमें शायद से कवाली वगैरह होंगी, है ना भाई? हाँ, कवाली यहाँ पर होती है, इधर कवाली होती है। मेला है, मेला उस गेट के उस पार लगता है, और यहाँ पर तो भाई ये सब यही काम होता है, कवालियाँ वगैरह बहुत कुछ होता है। तो गाइस अभी हम लोग बाइक खड़ी कर दिया है, और बाइक खड़ी करके अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल भाई, यहाँ से देखते हुए काफ़ी सारा सजावट किया गया है। एक और गेट आ गया, टोटली यहाँ पर 3 गेट हैं। हम क्या है, लंगर खाना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस गेट को पार करके, अभी हम लोग आ चुके हैं बेवफा चाय वाला के पास। आप लोग यहाँ से देख सकते हो काफ़ी सारी दुकानें इधर से लगना शुरू हो चुकी हैं, मतलब लग गई हैं, शुरू नहीं हो चुकी हैं, लग चुकी हैं दुकानें। और यहीं से मेला स्टार्ट होता है, जो कि भाई बहुत बड़ा मेला होता है। ये क्या भाई, सुरंग बनी हुई है, इसमें क्या है? सुरंग पता नहीं भाई क्या बनाया गया है इसमें, पिछली बार आए थे तब तो ये नहीं बना था। जैसे ही आप लोग मेला के अंदर आओगे, सबसे पहले आप लोगों को खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, एंड इधर देख सकते हो सब ये सब खाने पीने की ही दुकानें इधर मिलने वाली हैं। और फिर उधर जाने के बाद आप लोगों को सारा झूले वगैरह जितने भी हैं सब वो देखने को मिल जाएंगे। बट उधर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेला उधर लगता है, अभी वहाँ पर भी जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पुलिस चौकी के पास, और यहीं से आप लोग देख सकते हो इतने सारे सब झूले इधर लगे हुए हैं, जो कि इधर सबसे बड़ा वाला झूला है, और इधर भी है,
और इधर भी आप लोग देख सकते हैं काफी सारे झूले लगे हैं, छोटे बच्चों वाले भी और बड़े लोगों के लिए। गाइस आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो भाई आप लोगों को सर्कस भी देखने को मिलने वाली है। और गाइस जब आप लोग मेले के अंदर आओगे तब भाई यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा जेके दुबई थीम, वेलकम टू दुबई थीम सेल्फी पॉइंट। भाई इसमें सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, आप लोग अंदर देख सकते हो कुछ ऐसा है। दुबई थीम में आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे ये फिर बने हुए हैं। उधर आप लोग देख सकते हो एक आईफिल टावर टाइप का बना है, मतलब आईफिल टावर बनाया गया है। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट हैं, आप लोग यहाँ पर आकर के फोटो भी खींच सकते हो। कट लगेगा बट आपको फोटो बहुत सारी अच्छी अच्छी मस्त देखने को मिल जाएंगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक इसको क्या बोलते हैं यार, भूतिया बंगला। ये भूतिया बंगला है, इसमें भूत मिलेंगे। तो भाई लोग इसमें जाना पसंद करोगे? यस बिल्कुल यस भाई। तो मेला कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 नवंबर से। 4 नवंबर से। आप लोग कहाँ से हो? यही संडीले से हैं भाई। संडीले से। तो जो लोग यहाँ मेला आए नहीं उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो? जरूर आए, देखिए जरूर आए। कितना बड़ा मेला लगता है? बहुत बड़ा लगता है। और गाइस इधर साइड में देखो काफी सारी दुकानें लग रही हैं, क्योंकि इधर जो कि खरीदने वरीदने के सामान सारा होता है सब इधर ही मिलेगा। अभी ये लोग रेडी कर रहे हैं अपनी अपनी दुकानें, सब एक दिन में रेडी कर देंगे। भाई परसों से मेला है यानी कि 4 तारीख से, तो सब इधर सब खरीदने की दुकानें ही मिल जाएंगी आपको। आशीष भाई, हाँ सर, जब इस मौत कुआं जो ये जो है जी, जब इसमें किसी की मौत नहीं होती है तो इसको मौत कुआं क्यों बोला जाता है? इसमें जाने से इंसान को डर लगता है। डर तो हर गोल गोल चक्कर घूमता है, डर तो हर चीज में लगता है, लेकिन मौत कुआं क्यों नाम पड़ा इसका? गाइस आप लोग देख सकते हो ये मौत कुआं भी लगा है, जो कि इसको देखने के लिए भाई बहुत सारे लोग आते हैं। तुम देखने जाओगे? पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं क्या? नो। ये गाड़ी घूमेगी गाइस इस मौत कुएं में। और भाई आप लोग देख सकते हो इसका कंडीशन कैसा है इस गाड़ी का। ये गाड़ी इस मौत कुएं में घूमेगी। तो गाइस अभी भाई लोग मिले हैं, तो मेला कब से स्टार्ट हो रहा है भाई? 4 नवंबर। 4 नवंबर से होगा, कब तक ये? ये होगा भाई 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक, तो आप लोग आइए 16 नवंबर तक। काफी दिन है भाई, इतने दिन आप लोग टहल सकते हो इस मेले में। अब की बार ना पिछले साल से कुछ ज्यादा ही मेला लग रहा है हमको, है ना भाई? इधर साइड का ज्यादा है, बड़ा लग रहा है। नहीं क्योंकि यही पिछले बार यहीं तक था ना, अब की ग्राउंड ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है चलिए भाई।